हेलो एवरीवन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में तो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है आपके हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड तो इस टॉपिक में हम देखेंगे ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी के बारे में तो ये ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी आपके हीट मैकेनिज से रिलेटेड ही है जो हमने मिग हीट मकेनिज स्टडी की थी रेडिएशन हीट मैकेनिज तो रेडिएशन हीट मैकेज का ही ये पार्ट है आपके ब्लैक बॉडी एंड ग्रे बॉडी तो ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी क्या होती है इसको हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियोज़ में तो देखते हैं हम ब्लैक बॉडीज़ के बारे में तो पहले तो ये इमेज जो है इस इमेज में दिखाया गया है आपकी जो रेंज है वो वन से लेके आपकी ट्वेल्व थाउजेंड तक है तो जो ये रेंज होती है ये रेंज होती है आपकी ब्लैक बॉडीज़ की मीन्स जो भी आपकी लाइट बेबलेंथ होती है तो आपकी लाइट बेबलेंथ जो आपकी आठ सौ से ऊपर और बारह सौ तक की जो लाइट की जो बेबलेंथ होती हैं वो बेबलेंथ वाली रेडिएशन ही आपकी ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती हैं या कहें उनको ही हम एज अ ब्लैक बॉडी की तरह ही बोलते हैं ठीक है तो ये जो रेडिएशंस होती हैं वो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती हैं ठीक नेक्स्ट देखते हैं हम अब ब्लैक बॉडीज के बारे में तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका ऑल नॉर्मल मैटर एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू द सम डिग्री एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट ऑल बेवलेंज़ कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी द नेम ब्लैक बॉडी इज गिवेन बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशन इन ऑल फ्रिक्वेंसीज़। तो जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो ब्लैक बॉडीज़ क्या होती हैं इलेक्ट्रो मैगनेटिक जो रेडिएशन होती हैं वो इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन को पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती हैं मतलब जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं तो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं तो ऑल बेबलेंस की लाइट को या कहें ऑल बेबलेंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये ब्लैक बॉडीज़ एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये जो एनर्जी या कहें जो रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करती हैं तो ये हीट के फॉर्म में इस रेडिएशन को एमिट करती हैं ठीक तो इसको हम क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी मींस वो बॉडी जो क्या है ऑल बेबलेंस की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी नॉर्मली अगर हम देखते हैं जो आपकी लाइटर बॉडीज़ uh, होती हैं मीन्स जो लाइट कलर की सरफेस होती हैं लाइट कलर की सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है मीन्स हर एक बेबलेंथ को वो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं इसलिए उस लाइट uh, कलर की जो बॉडीज़ होती हैं उनसे लाइट रिफ़्लेक्ट होती है लेकिन जो आपकी ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो हर एक बेबलेंथ की रेडिएशन uh, को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हीट के फॉर्म में इस रेडिएशन को जनरेट करती हैं वैन अ ब्लैक बॉडी इज़ एट आ यूनिफॉर्म टेम्परेचर इज़ एमिशंस हैज़ अ कैटेस्टिक्स फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इट्स एमिशन इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो ब्लैक बॉडीज़ आपकी रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैनिक मैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और इसी इलेक्ट्रोमैनिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लैक बॉडीज़ क्या होती हैं हीटअप होती हैं और ये हीट क्या करती हैं ये एमिशन एमिशन करती है मीन्स ब्लैक बॉडी इन uh, रेडिएशन को बाहर की तरफ हीट के फॉर्म में बाहर की तरफ मूव करती हैं या कहें हीट जनरेट करती हैं ठीक है ठीके? तो जो ये ब्लैक बॉडीज हीट जनरेट करती हैं इन हीट जनरेट को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसिडर अ स्मॉल कोल्ड बॉली बॉडी विथ अ सरफेस एरिया ए एंड टेम्परेचर टी इज़ कंप्लीटली सराउंडेड बाय अ हॉट ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी द अमाउंट ऑफ हीट टेम्परेचर टी ट्रांसफ़र इन सच अ प्रोसेस इज एक्सप्रेस एज अगर हम कोई ब्लैक बॉडी ले रहे हैं ब्लैक बॉडी क्या कर रही है ऑल uh, बेबलेंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन uh, को आपकी ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्बन के बाद उस रेडिएशन को हीट फॉर्म में जब एमिट करती है तो um, कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है आपके ब्लैक बॉडी के थ्रू जो क्या है हमें हीट के फॉर्म में मिल रहा है तो उस चीज़ को हम क्या है uh, फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो ये जो फार्मूला दिया है तो क्यू इज़ अ हीट ट्रांसफर कोविशियन या मीन्स हीट ट्रांसफर कोविशियन हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ठीक है तो क्यू इज अ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो इस फॉर्मूले को हम देखेंगे Q इज़ इक्वल टू बी ए टी वन माइनस टी टू ये क्या है टेम्परेचर हैं टी हैं और ये बी क्या है आपके कांस्टेंट है एज अ एरिया तो कितने सरफेस एरिया से कितनी हीट जनरेट हो रही है या कितनी हीट ब्लैक बॉडी से एमिट हो रही है तो उस चीज़ को हम क्या है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं नेक्स्ट देखते हैं ग्रे बॉडी अ ग्रे बॉडी इज डिफाइंड एज दैट बॉडी हुज एब्जॉर्बिटी इज कॉन्स्टेंट एट ऑल बेबलेंथ ऑफ रेडिएशन एट अ गिंग टेम्परेचर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्स बाय डार्कर ओपेग एंड रफ सरफेस बॉडीज लीस्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय लाइट कलर ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ सरफेस सब्सटेंसेज तो जो आपकी ग्रे ग्रे बॉडी होती है वो ब्लैक बॉडी की तरह ही काम करती हैं तो इनमें भी क्या है आपकी ऑल बेबलेंथ जो होती हैं जो एबजॉर्ब हो रही हैं वो क्या होती हैं कॉन्सटेंट होती है तो हर एक बेबलेंथ की रेडिएशन आपकी ग्रे बॉडी जो एब्जॉर्ब करती हैं वो क्या होती हैं वहाँ पर इनकी एब्जॉर्बिटी कॉन्स्टेंट होती है यहाँ पे वेवलेंथ कांस्टेंट होगी तो जो आपकी डार्कर बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को या कहें रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और हीट के फॉर्म में उसको एमिट करती हैं लेकिन जो आपकी लाइटर सरफेस होती हैं या कहें लाइटर लाइट कलर की जो बॉडीज़ होती हैं तो लाइट कलर क्या करते हैं उन बेबलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं इनको क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं तो हर एक बेबलेंथ को ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट बॉडीज़ देखिए जो डार्कर बॉडीज़ होती हैं वो हर एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं सो so, ये था इस टॉपिक से रिलेटेड ये जो आपके टॉपिक है ग्रे बॉडी एंड ब्लैक बॉडी ये आपके रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन मैके से रिलेटेड ही है तो इसमें हमने कवर किया है ब्लैक बॉडीज़ एंड ग्रे बॉडीज़ तो ब्लैक बॉडीज़ के बारे में हमने इसमें देखा कि ब्लैक बॉडीज़ क्या करती हैं ऑल वेव की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर और हीट के फॉर्म में एनर्जी को एमिट करती हैं तो जो हीट के फॉर्म में एनर्जी को एमिट करती हैं उस हीट को हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं ठीक जो आपकी ग्रे बॉडी होती हैं वो भी क्या करती हैं ऑल बेवलेंथ की रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और जो ये एब्जॉर्ब करती हैं रेडिएशन ये क्या होती हैं इनका रेडिएशन का लेवल कॉन्स्टेंट होता है ग्रे बॉडी में ठीक है तो ये पोर्शन हमने कवर किया है इस वीडियोस में सो आई थिंक आप लोगों को ये पोर्शंस क्लियर हुआ होगा सो थैंक यू सो मच